अब देखिए वरुण गांधी का योगी सरकार पर निशाना बोलना काफी चौंकाने वाला है। जी हां, राशन कार्ड की पात्रता को लेकर वरुण गांधी ने निशाना बोल दिया है योगी सरकार पर। चुनाव के बाद कैसे हुए अपात्र, ये कह दिया है राहुल गांधी नहीं बल्कि वरुण गांधी ने। अब यहाँ पर भाजपा पर अभी तक राहुल गांधी का हमला बोलते हुए आपने देखा, लेकिन बीजेपी सांसद रहकर वरुण गांधी का इस तरह से ट्वीट करना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी पर ही हमला बोलना वरुण गांधी का किस तरह इशारे करता है आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आप सभी समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण। बीजेपी में विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, चुनावी मैदान पर स्टार प्रचारक के तौर पर वरुण गांधी को पेश नहीं किया गया। बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद ने पीलीभीत से वो सांसद जो हैं जो कि राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए, तो योगी सरकार पर उनका सीधा सवाल करना यहाँ पर मोदी अमित शाह के भी पसीने छुड़ाएगा, क्योंकि जन सम्मान के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक और चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेगी। वरुण गांधी ने ये कहा है और इस तरह से उन्होंने तस्वीर शेयर की है, साथ ही साथ ट्विटर पर उन्होंने लंबा चौड़ा ये पोस्ट किया। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खत्म होने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी, शायद अगले चुनाव में, ये कहकर वरुण गांधी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, वरुण गांधी का सीधा सरकार पर इस तरह से निशाना साधना कई बातों की तरफ इशारे करता है। सवाल ये कि योगी सरकार पर इस तरह के सवाल करके क्या वरुण गांधी अब पार्टी के खिलाफ अपना अगला कदम उठा रहे हैं। बेबाक बयानों के लिए वरुण गांधी की चर्चा रही है और इस तरह के उनके स्टेटमेंट से लोग काफी ज्यादा हैरान भी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।